यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वे अगर भविष्य में यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति के नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि नोटिस में यूनिवर्सिटी राहुल को बताएगी कि इस यूनिवर्सिटी में आना स्टूडेंट्स की सुरक्षा को खतरे में डालता है, स्टूडेंट्स के साथ किसी भी बातचीत के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन करने की ज़रूरत है। मालूम हो कि राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर को यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल पहुंच गए थे और वहां स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। राहुल ने स्टूडेंट्स से उनकी समस्याओं और उनके करियर की योजनाओं के बारे में बात की थी। उन्होंने हॉस्टल में स्टूडेंट्स के साथ लंच भी किया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि राहुल ने दौरा बिना अनुमति के लिए किया था। जब वे कैंपस में आए तो कई स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। हम इसे अपने कैंपस में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम राहुल गांधी को नोटिस भेजकर कहेंगे कि उन्हें इस तरह की हरकत नहीं दोहरानी चाहिए और छात्रों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस बीच कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।